नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 5.0 को लागू कर दिया गया है। अब यह 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। लॉकडाउन 5.0 के दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा कोई पास की जरूरत नहीं होगी। 8 जून से सार्वजनिक स्थानों और पूजा के स्थान, होटल, शॉपिंग मॉल इत्यादि खोलने की अनुमति दी जाएगी, परंतु राज्य सरकार इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगी। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित आसपास के इलाकों में 2 जून तक बारिश के असर हैं। रांची समेत कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और मेघ गरज के साथ हल्की बारिश होगी। राज्य में 3 और 4 जून से आसपास आसमान साफ रहेंगे। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि 31 मई को राज्य के मध्य, दक्षिणी, पूर्वी व उत्तरी जिलों में तेज हवा व गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। पारा शिक्षकों को राशन वितरण से नहीं हटाया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने खाद्य आपूर्ति मंत्री को पत्र लिख शिक्षकों को सिर्फ शैक्षणिक कार्य में ही लगाने का आग्रह किया था, लेकिन विभाग ने शिक्षकों को हटाने से इनकार कर दिया है। खाद्य विभाग का कहना है कि इन शिक्षकों को ड्यूटी करनी होगी क्योंकि स्कूल बंद है और ऐसे में वे सरकार के जिम्मेदार कर्मी हैं। इधर शिक्षकों ने शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से 3 दिन का समय दिया था। उन्होंने कहा है कि उन्हें काम से नहीं हटाया जाए तो वे कार्य को बहिष्कार करेंगे। झारखंड में आज 72 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो जमशेदपुर से 43, हजारीबाग से 4, सिमडेगा से 4, गढ़वा से 2, खूंटी से 2, गुमला से 1, पलामू से 1, बोकारो से 1, धनबाद से 13, पाकुड़ से 1, साहिबगंज से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 522 से बढ़कर 594 हो गई, जबकि 256 लोग स्वस्थ हुए और 5 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 181,827 है, जबकि 86,936 लोग स्वस्थ हुए और 5,185 की मृत्यु हो गई। झारखंड में मिले मरीजों का ब्यौरा इस प्रकार है। जमशेदपुर से 43 मरीज मिले जो सभी क्वारंटीन में थे। हजारीबाग से 4 लोग मिले जो सभी प्रवासी मजदूर हैं और 2 सदर प्रखंड और 2 टाटी झरिया के हैं। सिमडेगा से 4 मिले सभी क्वारंटीन में थे। खूंटी के 2 मिले जो एक मुरमू के बुरजू गांव और दूसरा रनिया के काराकेला गाँव का है। पलामू में मिला एक संक्रमित चैनपुर प्रखंड का है, जो मजदूर है और मुंबई से लौटा है। गढ़वा में मिले 2 केस, जो गढ़वा प्रखंड के दुबे मरहटिया गांव तथा एक धुरकी प्रखंड के टाटी डीरा का है। सभी प्रवासी मजदूर हैं। सिमडेगा में 4 मिले जो सभी प्रवासी मजदूर हैं, बाहर से लौटे हैं। झारखंड में आज 40 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि झारखंड में मौत की आंकड़ा अब 5 है। 6ठा मरीज को नहीं जोड़ा जा रहा है, ऐसे में कुल मृत्यु 5 समझा जाए। अंडमान निकोबार में फंसे 180 मजदूर पहुंचे रांची। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फंसे झारखंड के 180 प्रवासी मजदूर शनिवार की शाम हवाई जहाज से झारखंड पहुंच गए। प्रवासी मजदूरों के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर आगमन के बाद स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सरकार की ओर से गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि शुक्रवार को और शनिवार को जो श्रमिक विमान से रांची लाए गए हैं, उनका कुल खर्चा 21 लाख रुपये पड़ा है, जो राज्य सरकार ने उठाया है। 10 लाख प्रवासी मजदूर को मिलेगा चावल और चना दाल। बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने खाद्यान्न आवंटित कर दिया है। झारखंड लौट रहे सभी 10 लाख प्रवासी मजदूरों को चना दाल व चावल दिया जाना है। हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत वैसे मजदूर आएंगे जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित नहीं है। ऐसे 10 लाख मजदूरों को 2 माह तक चावल व चना दाल मुफ्त मिलेगा। सभी मजदूरों को अपने पंचायत में ही चावल व चना दाल दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को क्या सुविधा दी जा रही है, हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा और यह जानना चाहा कि जो मजदूर क्वारंटीन सेंटर से छोड़ जा रहे हैं, उन्हें क्या सुविधा दी जा रही है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने सरकार से यह भी पूछा कि हिंद पीढ़ी में किस आधार पर कुछ कंटेनमेंट जोन हटाए गए हैं। उन्होंने स्पेनिश फ्लू का उदाहरण देते हुए बताया कि लोग महामारी से 1 करोड़ से अधिक मरे थे, इसलिए महामारी को देखते हुए हर स्तर पर सतर्क बरतने की आवश्यकता है। झारखंड पहुंचे 4 लाख मजदूरों में से सिर्फ 30,000 की हुई जांच। झारखंड सरकार ने राज्य में आए प्रवासी और हिंद पीढ़ी के लोगों का संक्रमण जांच की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश की और बताया कि केंद्र सरकार के नियमों का पूरा पालन की जा रही है। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य में 26 मई तक 4,31,711 प्रवासी मजदूर झारखंड लौटे, जिसमें से 29,645 का सैंपल लिया गया और जाँच किया गया।
जिसमें से 279 मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं। रांची के लिए बेंगलुरु से 31 मई को खुलेगी ट्रेन। कर्नाटक में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूर को लाने के लिए बेंगलुरु से रांची के लिए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज रविवार 31 मई को रवाना होगी। जो सभी मजदूर रांची से लौटना चाहते हैं वे आज 9 बजे बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर माधवारा NIC रोड जंक्शन बेंगलुरु हाईवे पर उपस्थित होना होगा। सभी यात्री को यहाँ मेडिकल जाँच होगी। मजदूर सहायता के लिए पवन कुमार 91 87 57 31 796 तथा कविलास कुमार 79 036 00 524 पर संपर्क कर सकते हैं। वन विभाग में 400 पदों पर रिक्तियां, अंतिम तिथि 30 जून। वन विभाग ने वनपाल के पदों पर 400 रिक्तियां की सूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 30 जून तक अपना फॉर्म स्पीड पोस्ट द्वारा जमा कर सकते हैं। इस पद के लिए सिर्फ सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी ही आवेदन कर सकते हैं, जिसकी आयु सीमा 1 जनवरी 2020 को अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए forest.jharkhand.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। झारखंड के 13 युवक 7 दिन में साइकिल चलाकर रोहतास से रांची पहुंचे। झारखंड के युवक जो हरियाणा में फंसे हुए थे, एक सप्ताह में साइकिल चलाकर 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर शनिवार को रांची पहुंचे। इन लोगों ने बताया कि 3500 रुपये में साइकिल खरीद कर अपने घर के लिए निकल पड़े। गढ़वा के प्रखंड में टिड्डी हमला किया गया अलर्ट। झारखंड में कभी भी टिड्डी दल का हमला हो सकता है, इसे लेकर गढ़वा जिला के सभी प्रखंडों में अलर्ट जारी किया गया है। अनुमंडल क्षेत्र में टिड्डी दल पहुंचने से पहले अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी वीडियो को फसलों की सुरक्षा के लिए निर्देश दिया है। इधर गढ़वा में हर महीने हो रहे 1 करोड़ का राशन घोटाले पर गढ़वा उपायुक्त हर्ष मंगला ने कार्रवाई का आदेश दिया है। झारखंड में 15 दिनों में 1650 लोग होंगे संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने कहा है कि राज्य में संक्रमितों के मिलने का जो ट्रेंड है उसे देखने से पता चलता है कि 15 दिनों में 1650 केस होंगे। उन्होंने कहा कि 6 जिलों में संक्रमण का केस 0 हो गया है, जबकि 8 जिलों में ऐसे हैं जहां हर 5 दिन में दोगुना केस हो रहे हैं। पलामू जिला में सरकार कृषि पर ध्यान दे, अर्जुन मुंडा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि पलामू प्रमंडल में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, ऐसे में इनको रोजगार देने के लिए राज्य सरकार को इस क्षेत्र में कृषि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दुमका, हजारीबाग और देवघर में भी होगी संक्रमण जांच। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जमशेदपुर के MGM कॉलेज के बाद रिम्स इटकी PMCH में आर्टिफिशियल मशीन लगाई है। अब दुमका, हजारीबाग और देवघर में भी लैब स्थापित कर वहां भी यह मशीन लगाए जाएंगे, जिससे कि संक्रमण जांच में तेजी आ सके। अगरतला से लातेहार और लोहरदगा पहुंचे मजदूर। अगरतला से 2 अलग अलग ट्रेनों में मजदूरों को लेकर लोहरदगा और लातेहार पहुंची। पहली ट्रेन 7:30 बजे सुबह पहुँचना था, जो 23 घंटा विलम्ब से शनिवार सुबह 6:23 लोहरदगा पहुँची, जबकि दूसरी ट्रेन निर्धारित समय से 2:15 पर पहुंची। सभी मजदूरों का स्टेशन पर स्वागत किया गया, इसके बाद गृह के लिए रवाना किया गया। मनरेगा से मिलेगा रोजगार सचिव। मनरेगा की योजनाओं को लेकर ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी DDC व BDO को 3 नई योजनाओं की शुरुआत की बात बताई। उन्होंने कहा कि योजनाओं प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक होगी। योजनाओं के जरिए जल संरक्षण को बढ़ावा देकर हरा भरा झारखंड बनाना और आय में बढ़ावा देना भी होगा। झारखंड में जून तक मिलेगा मुफ्त दाल भात। राज्य भर में संचालित 1608 दाल भात केंद्रों में अब लोग जून तक मुफ्त में दाल भात से अपना भूख मिटा सकेंगे। विभागीय सचिव अरुण सिंह ने बताया कि केंद्रों से लोगों को भोजन घर ले जाने की भी व्यवस्था होगी। कुछ केंद्रों में दूरी बनाकर भोजन भी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था में हर किसी को भोजन दिया जाता है, किसी तरह का कोई पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। राज्य भर में अब तक कुल 1,40,00,000 लोगों ने भोजन किया है। बिना अनुमति पुलिसकर्मी नहीं लेंगे वरियर सर्टिफिकेट। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SSP SP को आदेश दिया है कि पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित न हो जहां उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया हो।
डीजीपी एमवी राव के आदेश पर आईजी ऑपरेशन साकेत कुमार ने आदेश जारी कर बताया कि ऐसी सूचना मिल रही है कि कई ऐसे निजी संगठन भी संक्रमण वॉरियर्स के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जो गंभीर आपराधिक मामले में दर्ज हैं। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर असहयोग का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र पर असहयोग का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जीएसटी से लेकर भारी भरकम खनन रॉयल्टी के बकाये की दावेदारी करते हुए केंद्र को निशाने पर लिया है। उनका आरोप यह भी है कि केंद्र सरकार इस संकट काल में भी सिर्फ भाजपा शासित केंद्रों की सरकारों को सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि विभिन्न मतों में राज्य सरकार का केंद्र सरकार पर 70 से 80 हजार करोड़ रुपए तक का बकाया है। श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ मजदूर संघ ने केंद्र और राज्यों की सरकारों की श्रम कानूनों के साथ छेड़छाड़ एवं श्रमिकों के मुद्दे पर लड़ाई की घोषणा कर दी है। मजदूर संघ के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा जिसकी शुरुआत 30 मई को शुरू कर दी गई है और 30 जून तक चलेगा। झारखंड में एक्टिव केस 30 मई के अनुसार झारखंड के 4 जिलों में कोई सक्रिय केस नहीं है जबकि झारखंड का एकमात्र बचा जिला साहेबगंज में भी एक पॉजिटिव केस मिला है। चतरा, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा में सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शेष जिलों में सक्रिय केस इस प्रकार हैं। रांची में 21, हजारीबाग 49, गढ़वा 11, पूर्वी सिंहभूम 78, कोडरमा 15, पलामू 3, बोकारो 7, गुमला 21, गिरिडीह 13, पश्चिमी सिंहभूम 14, रामगढ़ 24, धनबाद 13, सिमडेगा 12, लातेहार 6, सरायकेला खरसावां 4, पाकुड़ 4, लोहरदगा 1, खूंटी 5 हैं। झारखंड में कुल 6 मृत्यु हुई जिसमें से सरकारी आंकड़ा अब 5 बताया जा रहा है। एक मरीज जो बंगाल का है जिसकी मृत्यु रांची रिम्स में हुई उसे गिनती में नहीं जोड़ा रहा है। ऐसे में मृत्यु दर सिर्फ 5 समझा जाए। जीएल चर्च, केंद्रीय परिषद और सीएनआई ने दिए 5-5 लाख। मुख्यमंत्री राहत कोष में जीएल चर्च और सीएनआई ने महामारी से निपटने के लिए 5-5 लाख रुपए दान दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके कांके रोड स्थित आवास पर मुलाकात कर उन्हें 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान इस राशि का व्यय राज्य में महामारी से बचाव, नियंत्रण तथा स्वास्थ्य सेवाओं में किया जाएगा। किसानों की मदद के लिए कृषि मंत्री को पत्र, बंधु तिर्की। बंधु तिर्की ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को पत्र लिखकर इस लॉकडाउन और खराब मौसम की वजह से किसानों की फसल को पहुंची नुकसान का भरपाई के लिए अपील की है। बंधु तिर्की ने लिखा है कि महामारी को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन से सब्जी उत्पाद, दूध उत्पाद, मुर्गी पालन, कृषि काफ़ी नुकसान में है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें।